साथ है मशहूर फिल्म अभिनेता जहांगीर खान। हम उनसे जानेंगे कि आगे क्या प्लानिंग है, उन्होंने एक किताब भी लिखी है, उसका पर्पस क्या है, और यूपी में जो फिल्म सिटी बन रही है उसका क्या मकसद है और इससे कितना फायदा होगा। तो क्यू टीवी इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आपकी शूटिंग यहाँ कौन सी चल रही है और इसमें क्या कहानी है, फिल्म का नाम क्या है? थैंक यू सो मच, मैं सभी दर्शकों का इस्तकबाल करता हूँ। देखिए, पहला आपका सवाल है कि यहाँ पर कौन सी शूटिंग चल रही है। तो ये लाल बत्ती एक वेब सीरीज है जो प्रकाश झा जी ने बनाई है, बना रहे हैं, और उसमें मुख्य अभिनेता जो है नाना पाटेकर हैं। तो ये शूटिंग हम यहाँ प्रयागराज में कर रहे हैं जी। इसकी कहानी क्या है? वेब सीरीज तो बहुत ज्यादा आ गई है इन दिनों, इसमें क्या अलग देखने को मिलेगा नया? देखिए, जब हम मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो हम कहानी को बिल्कुल भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर देखने में वो इंटरेस्ट नहीं रहता है। इसलिए ये बात को आप शो देखेंगे तभी आपको कहानी पता चलेगी, इसलिए हम कहानी को डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे, जैसे मिर्ज़ापुर सीरीज बहुत ही हिट हुई है और रंगबाज सीरीज बहुत ही हिट हुई है, उसमें लोकल भाषा का खूब प्रयोग किया है, क्या आपकी इस सीरीज में इस तरह की चीज़ें हैं? हाँ, इसमें देखिए प्रकाश झा जी का भी जो वेब सीरीज है आश्रम, इसमें मैंने भी माइकल का रोल किया था, अगर आपने देखा होगा तो वो इंडिया का सबसे ज़्यादा देखा गया वह शो है, सबसे ज़्यादा व्यूज़ उसी के हैं। जितनी हमारे हिंदुस्तान में पब्लिक है उतने ही उसके व्यूज़ आए हैं। तो हमें उसमें मतलब जैसे उन्होंने हरियाणवी एक एक्सेंट रखा था, या उन्होंने गंगाजल फिल्म बनाई थी, या राजनीति फिल्म बनाई थी, तो हर फिल्म में जहाँ का बैकग्राउंड होता है वहाँ का एंगल तो रखते ही हैं। इसमें भी है एक एक्सेंट। अच्छा, ये शहर जो है इलाहाबाद है और अब प्रयागराज भी हो गया है, अमिताभ बच्चन का शहर था और राजनीतिक शहर भी है, यहाँ आके आपको कैसा लगा शूटिंग करके? यहाँ के लोगों से मिले होंगे, यहाँ की लोकेशन देखी होगी, तो शहर के बारे में क्या कहना है? देखिए, चाहे शहर हो चाहे कंट्री हो, वो लोगों से ही बनती है एक्चुअली में, दरों दीवार से तो नहीं बनती है। तो यहाँ के लोग मुझे बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक, बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही कम्फर्ट जोन के लगे, बहुत ही रिस्पेक्टफुल लगे। और इससे पहले भी मैं एक फिल्म के लिए आया था, तिग्मांशु धूलिया उनके डायरेक्टर थे, तो उसकी शूटिंग भी मैं पहले कर चुका हूँ यहाँ पर। तो मुझे बहुत ही खुशी है कि मुझे वापस यहाँ आने का मौका मिला और बहुत ही वंडरफुल लाजवाब जगह है। यूपी गवर्नमेंट, जो हमारे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं यूपी के, उन्होंने जो है नोएडा में फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया है, उससे कितना फ़ायदा होगा, क्या फिल्म उद्योग को यूपी में अच्छी जगह मिलेगी? देखिए, फिल्म सिटी तो ऑलरेडी नोएडा में है ही, उन्होंने क्या है कि उसको अभी एक्सपेंड करने के बारे में बोला है, तो श्योरली ये बात सही है कि उसका तो फ़ायदा होना ही है और होना शुरू हो गया है। तो अगर ऐसी कोई भी चीज़ उनकी पॉलिसी है जिससे कि किसी भी इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलता है, और हमारी जो ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है जो जिसे बॉलीवुड भी बोलते हैं, उसको मतलब डेफिनेटली इन्हेंस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब्सिडी दे रहे हैं, यहाँ के जो लोकल आर्टिस्ट हैं उनको मतलब प्रमोट कर रहे हैं, और इनफैक्ट जो हम लोगों को जो डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस डिफरेंट जगहों का मिल रहा है, तो ये बहुत ही फन लविंग और बहुत ही मतलब काम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो नेक्स्ट लेवल है। वेरी नाइस, मतलब आई रियली अप्रिशिएट हिम कि उन्होंने इतना अच्छा कदम उठाया, जैसे कि 50% सब्सिडी ऐसा सुना है कि मतलब काफ़ी लोगों को मिलने लग गई है, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सिनेमा हमेशा उस तरह का रहा है, कई लोगों की फिल्में बन के बंद हो जाती हैं, कई लोगों की फिल्में अधूरी पड़ जाती हैं, तो फिल्मों में ज़्यादातर लोग जो हैं पैसा नहीं लगाना चाहते हैं, बट इस तरह की सब्सिडी के सपोर्ट सिस्टम से अब लोग डेफिनेटली इनकरेज होंगे और इस तरह के सिनेमा में मतलब सपोर्ट करेंगे और हम लोग सभी मिलजुल कर ग्रो करेंगे। अभी जैसे यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो एक्टर्स हैं, हो सकता है कि अभी उनको एकदम सेंट्रल रोल नहीं मिल रहे हो, बट हर एक्टर का अपना सफ़र होता है, कभी छोटा रोल करता है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी छोटा रोल किया था पहले, और इरफान भाई ने भी छोटा रोल किया था, सब लोग हमने भी बहुत छोटे छोटे रोल करके आए हैं। तो ये एक जर्नी शुरू हो जाती है और उन लोगों के लिए ये एक प्रिविलेज है कि अपना घर भी उनको नहीं छोड़ना पड़ता है, दूसरे शहर में जा करके बसना नहीं पड़ता है, वो डिफ़िकल्ट लाइफ जो है बम्बई की वो उससे बचते हैं और अपने घर में यहाँ रहते हुए ग्रो कर रहे हैं, तो इससे बढ़िया क्या बात है, ये बहुत ही अच्छी पॉलिसी है।